नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पावर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुमोकोल टैबलेट के बारे में। सुमोकोल टैबलेट में आपको कंटेंट्स की बात करें तो कैफीन 30 mg में देखने के लिए मिल जाएगा, डाइफेनिरा हाइड्रामीन आपको 25 mg में देखने के लिए मिल जाएगा, पारासीटामोल आपको 500 mg में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, एंड देन फेनिराफेरिन आपको 5 mg में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और जो सुमोकोल टैबलेट होता है ये एलकेम लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसकी प्राइस होता है 45 रुपीज़, और ये आपको 10 टैबलेट में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं जो सुमोकोल टैबलेट होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो सुमोकोल टैबलेट का यूज जैसे कॉमन कोल्ड सिम्टम्स के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम छींक आ रहा है या नाक से पानी आ रहा है या आपको बुखार दर्द इस तरह का समस्या है, तो ये टैबलेट लेने से आपको ये सारी समस्या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट्स अवेलेबल रहता है, कैफीन डाइफिनर हाइड्रामीन पारासीटामोल फेनिराफेरिन अवेलेबल रहता है दोस्तों। और ये जो अवेलेबल रहता है कंटेंट्स, ये आपके जो नाक बहना छींकाना स्नीजिंग इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है या बुखार दर्द या किसी भी प्रकार का आपको बॉडी में दर्द रहता है, तो ये सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का ये काम करता है सुमोकोल टैबलेट दोस्तों। ये एक तरफ से बहुत ही अच्छा टैबलेट है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ अवेलेबल रहता है कि टैबलेट में सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है दोस्तों। दोस्तों, आप जानते हैं सुमोकोल टैबलेट के डोज के बारे में, तो ये टैबलेट को आप जब भी ले तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद के मर्ज़ी से लेने का प्रयास ना करें। और इसके एडल्ट डोज की बात करें तो 1 से 2 टैबलेट पर डे सुबह शाम ले सकते हैं दोस्तों। और ये टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और ये टैबलेट खाना खाने के बाद लें। जो सुमोकोल टैबलेट होता है इसकी प्रिकॉशन क्या क्या होता है, तो इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहले आप मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, या ब्रेस्ट फीडिंग महिला खुद के मर्जी से मेडिसिन ना ले, या ब्रेस्ट फीडिंग महिला भी मेडिसिन खुद से ना ले, या किसी भी पेशेंट को या किसी भी लोग को किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, खुद के मर्जी से लेने का प्रयास ना करें। और ये वीडियो देखकर आप कोई मेडिसिन लेने का प्रयास ना करें दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे नौजिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, इस तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकता है अगर ये टैबलेट को ओवर डोज लेते हैं तब दोस्तों। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।